की पथरी कई प्रकार की होती है जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टेन और स्टोवाइट शामिल है। दरअसल शरीर से पेशाब के जरिए कई अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो ये अपशिष्ट पदार्थ किडनी में एकत्रित होने लगते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। कई बार पथरी का आकार छोटा होता है तो ये पानी के जरिए निकल जाती है, लेकिन बड़ा आकार होने पर अक्सर समस्या आने लगती है। कम पानी पीने, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, पेशाब को रोक कर रखना, नमक ज्यादा लेना जैसे कई कारण हैं जो किडनी में स्टोन की समस्या को बढ़ाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही टिप्स। अगर किडनी में पथरी की समस्या है तो हाई ऑक्सलेट वाली खाने की चीजों को अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए। खासकर चुकंदर, ब्रोकली, भिंडी, पालक, शकरकंद, टमाटर, चॉकलेट, सोयाबीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हाई विटामिन सी वाली खाने की चीजों से भी शरीर में किडनी की स्टोन की आशंका बनी रहती है। किडनी की पथरी की समस्या हो तो एनिमल प्रोटीन से बचना चाहिए, इसलिए मीट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल इसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन होता है जिसे बचाने के लिए किडनी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा मीट में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड होता है जिससे किडनी की पथरी होने का खतरा बना रहता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ बोतल वाले जूस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाय व कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी में स्टोन की समस्या हो उन्हें सोडियम की अधिक मात्रा वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। आमतौर पर नमक ज्यादा खाने से बचे, नमक में सबसे ज्यादा सोडियम होता है। दरअसल सोडियम की अधिक मात्रा शरीर में होने के बाद किडनी कैल्शियम को अधिक अवशोषण करने लगती है और पेशाब में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। चिप्स, कॉर्न, सोया जैसे पैकेट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चीजों के खाने से लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम होती है।